दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्विक जॉब अलर्ट के एक नए वीडियो में। और साउथ ईस्टर्न रेलवे के तरफ से यहां पे नोटिस निकाल दी गई है फाइनली आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। ठीक है, नोटिस में यहां पे आपको बताया जा रहा है कि जितने सारे कैंडिडेट है, ऑल द कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग टू बी क्वालिफाइड इन द सीबीटी आर एडवाइज टू रेडी फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट विच विल बी कंडक्टेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। यानी कि यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपको टेंटिवली ये बता दिया गया है दोस्तों कि आपके जनवरी के दूसरे सप्ताह में आप सभी लोगों का फिजिकल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका होगा, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और ये लोग तीन गुने कैंडिडेट को इस बार लेने वाले हैं। ठीक है, हर जोन में आपकी जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के तीन गुने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों मेल कैंडिडेट के क्राइटेरिया में, तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 केजी ऑफ वेट, 35 किलो का वेट आपको उठाना है, 100 मीटर में इसको कंप्लीट करना है बिना गिराए हुए। ठीक है, और 2 मिनट इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द डाउन। ठीक है, मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि 100 मीटर के डिस्टेंस को 2 मिनट में बिना गिराए हुए 35 किलो लेकर के आपको दौड़ना है। ठीक है, ये आपका मेल का क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट के लिए फीमेल। और उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या है आपका। शुड बी ऑल्सो एबल टू रन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर आपको दौड़ना है दोस्तों। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा दोस्तों यहां पे 4 मिनट 15 सेकंड का समय है, एक बार में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल के लिए भी दोस्तों बताया गया है 20 kg वेट आप लोग का, 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना है विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। ठीक है, बिना गिराए हुए। और 5 मिनट 40 सेकंड का यहाँ पे आपको समय मिल रहा है, यहाँ पे आपको 4 मिनट 15 सेकंड का मिल रहा था, 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिल रहा है फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए रनिंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है नोटिस में। उसके बाद आपका नोटिस में ये कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, मतलब कि जिन्होंने अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है, CCAA वाले जितने कैंडिडेट है, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपीयरिंग फॉर PET। ठीक है, तो ये आपका फाइनल दोस्तों रहा, जो कि आप देख सकते हैं RRC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए कि इसको आप जो है RRC सिकंदराबाद के वेबसाइट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके पूरी तरीके से आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिस निकाली गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपका निकाला है सिकंदराबाद का, आज का ही डेट है 7/12/2022। ठीक है, इस देख करके इस नोटिस को आप निकाल लीजिए, ये आपका नोटिस है। तो रिजल्ट जो है, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपके जो रिजल्ट है वो निकलने वाले हैं, ये आपका दिसंबर के सेकेंड वीक तक आप लोगों का 100% ये फिक्स है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर के सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तीन गुने कैंडिडेट को उसमें क्वालिफाई आपका दोस्तों कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का अटेंटिवली जो बताया गया है आपका ये 2nd of January आप लोग का 2023 बताया गया है PET कंडक्ट करने के लिए, 2nd week of January। ठीक है, वेट करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट के लोग क्वालिफाई करते हैं, क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ आपका डाउन ही जाएगा, कट ऑफ आपका अप नहीं रहेगा, क्योंकि अटेंडेंस बिल्कुल ही कम रहा है, तो बिल्कुल भी कट ऑफ कम जाने की ही संभावना है, हाई तो कट ऑफ नहीं रहेगा इस बार।